एक बड़ा कदम उठाते हुए कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने राज्य में स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 100% आरक्षण देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए राज्य के श्रम विभाग ने 1961 के कर्नाटक औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश के नियमों में संशोधन कर मसौदा जारी किया है। कन्नड़ निवासियों के लिए ये 100% आरक्षण कोटा इन्फोटेक और बायोटेक सेक्टर को छोड़ उन सभी प्राइवेट इंडस्ट्रीज में लागू होंगे जिसे कर्नाटक सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत छूट मिल रही है। अगर इनमें से कोई कंपनी नई गाइडलाइंस को नहीं मानती है तो उन्हें पहले से दी गई छूट खत्म कर दी जाएगी। तो SC ST और OBC मिलाकर 77% पॉपुलेशन होती है, लेकिन हमको आरक्षण 50% ही मिलता है, 49.5% ही मिलता है। काम एकदम मामूली काम नहीं, उसके लिए बहुत सारा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। लेकिन SC ST OBC की मांग है कि भाई हमको प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और कानून विभाग की ओर से इन संशोधनों को मंजूरी मिलते ही इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। इस नई व्यवस्था में उन दिव्यांगों को 5% का आरक्षण उपलब्ध कराया गया है जो कर्नाटक के रहने वाले हैं। अगर आप देखेंगे जब लेबर फोर्स आ रहा है, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देखिए, कोई जॉब्स ओरिएंटेड है, जो कंट्रैक्टर आता है, कंट्रैक्टर दूसरे स्टेट से आता है, उनके लेबर फोर्स लेके आता है उनके साथ, जब लाता है तो उनको सब हटमेंट्स में रखता है, झोपड़ी में रखता है, क्यों तो पैसा तो आधा दे रहे हैं और वापस भी नहीं जा सकते। सो दिस डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा और लोकल इकोनॉमी बढ़ेगा, तो मेरे ख्याल से अच्छा है। इस फैसले से सूचना प्रौद्योगिकी और बायोटेक्नोलॉजी को छूट दी गई है क्योंकि ये 2014 से 5 साल की अवधि के लिए 1961 के कर्नाटक औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश के नियमों के तहत नहीं आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।